गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल योनिक क्लासेस। आज हम करने वाले हैं, जैसे कि आप सभी को पता होगा, हमने सीटेट की जो सीरीज़ है अपनी स्टार्ट की हुई है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जिसमें हम क्वेश्चंस जो है केवल उसके आंसर नहीं देख रहे हैं, जिस भी टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं उस टॉपिक पूरे उस टॉपिक को कवर कर रहे हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहने वाली है अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये जो सीटेट में जो आपके CDP आती है ये पेपर वन एंड पेपर टू दोनों में आती है, कॉमन है ये आपके लिए, तो इसकी तैयारी कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो देखिए, पहले वाले पार्ट में अभी तक हम 10 क्वेश्चन कर चुके हैं, अब ये नेक्स्ट जो पार्ट है ये है। इसमें देखिए, ये आपका जो दिसंबर में जो एग्ज़ाम हुए थे ऑनलाइन मोड में, उन एग्ज़ाम के सारे जो क्वेश्चन पेपर, उनमें से जो भी CDP का पोर्शन है वो आप इस प्लेलिस्ट में जो है कवर करेंगे। तो ये देखिए, हमारा क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पर पूछा गया, चाइल्ड हैज़ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द इंटेंशंस एंड डिज़ायर ऑफ अदर्स। द चाइल्ड हैज़, यानी कि अगर एक बच्चा क्या कर रहा है, अंडरस्टैंड कर सकता है किसी दूसरे की इंटेंशन को, उसके डिज़ायर को, यानी कि किसी दूसरे की जो इच्छा है, क्या करना चाहता है कोई दूसरा, उसके बारे में अगर जो बच्चा है वो समझ पाता है, तो वो उसके अंदर जो इंटेलिजेंस की कौन सी जो एबिलिटी है वो हमें बताना है। तो यहाँ पर आपका जो इंटेलिजेंस जो टॉपिक है इम्पॉर्टेंट है, इसे पूछा जाता है क्वेश्चन, और बहुत जल्द आपको मेरे इस चैनल पर जो है इंटेलिजेंस जो है वो कवर करवा दिया जाएगा, जिससे आपको कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होने वाली है। काफ़ी बड़ा टॉपिक है ये और इससे काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं देखने को मिलते हैं हमें सीटेट में। अब देखिए, यहाँ पर ऑप्शन हमें जो है इस तरीके से दे रखे हैं, तो आप इन ऑप्शन को देखिए और आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि कौन सा इसका आंसर ठीक होगा। तो देखिए, इसका जो आंसर है वो हमारा इंटर पर्सनल इंटेलिजेंस जो है वो ठीक होगा। क्यों ठीक होगा? क्योंकि इंटरपर्सनल का मतलब ये होता है कि जब हम किसी दूसरे के बारे में जान सकते हैं, उन्हें समझ सकते हैं, वही इंटरपर्सनल होता है। ठीक है, इसका मतलब हिंदी में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर दे रखा है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। और आपका जो ये फर्स्ट ऑप्शन है ये जो है, इसमें क्या होता है, किसी भी पर्सन के अंदर 3D जो इमेज वगैरह है उसको सोचने की जो क्षमता होती है वो इसके अंदर होती है। जैसे कि अगर जो कोई भी जो अगर देखे तो कोई भी 3D जो इमेज है उसे सोच सकता है। अगर आप देख रहे हैं कि आपको अपना घर बनवाना है, घर डिज़ाइन करवाना है, और उस घर को डिज़ाइन करने के लिए हम क्या नक्शा मैप वगैरह जो है वो पास करवाते हैं, तो जो मैप बनाता है उसके अंदर भी क्या है, 3D जो इमेज है वो डेवलप करने की जो एक तरीके से एक्स्ट्रा जो है ये। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये इसका हो जाएगा। आप देखिए, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस क्या होता है, इंटरपर्सनल होता है अपने खुद के बारे में कि हम हमारे अंदर क्या कमी है। जैसे कि अगर अभी आप सीटेट एग्ज़ाम दे रहे हैं और आगे जाकर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए, टीचिंग एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करेंगे अगर आपका सीटेट हो जाएगा, तो अभी सीटेट एग्ज़ाम देने के लिए आपको ये पता होगा कि मैं जो हूँ सीटेट का ये एग्ज़ाम दे रहा हूँ या दे रही हूँ, तो मेरे अंदर कौन सा जो सब्जेक्ट है वो पावरफुल है, कौन सा नहीं है, क्या मैं जो हूँ मैं इसको दे सकती हूँ, या फिर मैं जो हूँ इसे एक महीने में कवर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो ये सारी बातों का आपको पता होगा अपने अंदर की। ठीक है, तो अगर आप अपने अंदर की एबिलिटी, डिसएबिलिटी, इन सारी चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं, तो और उस पर काम भी करते हैं, ठीक, अपने बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर किसी को ज़्यादा गुस्सा आता है और फिर भी वह ये मानने को तैयार नहीं है कि उसे ज़्यादा गुस्सा आता है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, वो अपने बारे में नहीं जानता है, तो उसके अंदर इस चीज़ की कमी है उसकी इंटेलिजेंस में। तो ये होता हमारा इंटरपर्सनल। अब देखिए, नेचुरलिस्टिक जो इंटेलिजेंस है इसमें क्या होता है, कोई भी जो है नेचर के प्रति बहुत ज़्यादा क्या होता है, उसे लगाव होता है। जैसे कि किसी को गार्डनिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है, तो वो भी नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस उसके अंदर होती है। अब यहाँ पर जो है एक बात ध्यान रखिए, जैसे फार्मर है, तो जो फार्मर होते हैं हमारे, उनके अंदर भी क्या होता है, नेचुरलिस्टिक जो इंटेलिजेंस है वो होती है, क्योंकि जब वो खेती करते हैं तो खेती का पर्पस केवल और केवल यहाँ पर जो है व्यापारिक खेती करना नहीं है, पैसे कमाना नहीं है, साथ ही साथ उनका अगर उनकी फसल ख़राब हो जाती है या फिर कुछ हो जाता है तो वो जो होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा दुख भी होता है अंदर से। ठीक है, तो वो अपने बच्चों की तरह जो है उस जो गार्डनिंग है, अपनी खेती है, उसे अच्छे से पालते हैं। तो ये जो होता है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस होती है। अब देखिए, यहाँ पर आप इनके अकॉर्डिंग देख सकते हैं अपने ऑप्शन हिंदी में भी। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये है, ये हमारा पूछा गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि NEP, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। और क्या क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में से कौन सा कथन यहाँ प्रस्तावित है, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020, उसमें कौन सा जो
ये यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सी चीज़ बात कही गई है। पहला ऑप्शन कह रखा है अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना और शैक्षिक और प्रौद्योगिकी की उन्नति में बाधक है। यानी कि इन्होंने कह रखा है कि जो अपनी मातृभाषा में अगर कोई भी बच्चा शिक्षित होता है, एजुकेशन पाता है, तो वो क्या है, उसकी शैक्षिक और प्रौद्योगिकी की जो उन्नति होती है उसमें बाधा के रूप में है उसकी मातृभाषा। तो ऐसा तो कुछ नहीं कहा गया है, और बल्कि ये कहा गया है कि बच्चा जो है अपनी जो मदर टंग है उससे आता है, यानी कि स्कूल में जब आता है तो उसे जो है उसकी मदर टंग में ही पढ़ाया जाए तो बहुत जल्दी जो है चीज़ें कवर कर सकता है। अब देखो अगला ऑप्शन है, विद्यालय को बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर हमें ऑप्शन दे रखा है बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ है। यानी कि बहुभाषी होने पर मल्टी जो हमारी लैंग्वेज है उसको लेकर कहा गया है, बिल्कुल सही है ये। और यहाँ पे क्योंकि अलग अलग क्षेत्र से जो लोग होते हैं, जो बच्चे होते हैं वो आते हैं स्कूल में, तो हर किसी को जो है उतनी ही इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। और यहाँ पर जो है मल्टी जो एजुकेशन है उसको जो है सपोर्ट किया जा रहा है NEP में 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम सभी के सामने है। यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है जेंडर रोल्स आर, यानी कि जो हमारा जो ये लैंगिक जो एक तरीके से इसे हिंदी में कहते हैं जेंडर भूमिका, ठीक है, लैंगिक तो सेक्सुअल हो जाएगा, तो जेंडर जो भूमिका है वो क्या है। तो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि जेंडर क्या है। तो हम जेंडर को समझते हैं, देखिए एक होता है जेंडर और एक होता है हमारा सेक्स, ठीक है। जो ये सेक्स होता है वो हमें बताता है कि जैसे कि आपके में लिखा रहता है कि जो सेक्स है वो फीमेल है या मेल है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमें जो है बताया जाता है। पर जेंडर क्या होता है, जेंडर होता है इस सेक्स के अकॉर्डिंग जो है ये कहा जाता है कि उसी के अनुसार जो है ये धारणा बनाई गई है समाज में, यानी कि समाज में बना ली जाती है कि जो लड़कियां होती हैं वो कमज़ोर होती हैं, वो काम नहीं कर सकती हैं, वो घरेलू काम ही करेंगी, उन्हें पढ़ाई करने का अधिकार नहीं है, वो पढ़ेंगी तो बिगड़ जाएंगी, ठीक है, रात को जो है देर से उन्हें जो है नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो लड़कियाँ हैं और लड़के जा सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो मतभेद जो यहाँ पर पैदा किए जा रहे हैं ये होता है हमारा जेंडर। जेंडर जो होता है हम क्रिएट करते हैं, सोसाइटी जो होती है जेंडर को बनाती है सोसाइटी, पर जो हमारा ये लैंगिक रूप से जो ये है सेक्स जो है ये हमारा जो होता है नेचुरल होता है, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है नेचुरल होता है। तो ये डिफरेंस था हमने यहाँ पर देख लिया, आपको ध्यान रखना है। अब देखिए जेंडर रोल्स आर, तो जो जेंडर भूमिका है वो क्या है, यहाँ पर ये पूछा गया। पहला ऑप्शन है लर्न बिहेवियर, दूसरा इनमेट बिहेवियर, तीसरा बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्शंस और चौथा जेनेटिकली डिटरमाइंड। यानी कि देखो इन तीनों के तीनों जो ऑप्शन हैं, इन तीनों के तीनों ऑप्शन में ये बताया गया, देखो यहाँ पर है अधिग्रहित व्यवहार, यानी कि हम सीखते हैं जेंडर भूमिका, जन्मजात व्यवहार, तीसरा देखो यहाँ पर जैविक संरचना और चौथा अनुवांशिक संरचना निर्धारित। यानी कि ये तीनों के तीनों जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं ये बता रहे हैं कि जो जेंडर रोल है वो क्या है, वो नेचुरल है, ठीक है, यानी कि वो हेरिडिटी के थ्रू आता है या फिर वो क्या है, वो जैविक है, बायोलॉजिकल है, ठीक है, इस तरीके से बताएगा, और वो जन्मजात है। तो जन्मजात तो नहीं है वो, क्योंकि सोसाइटी उसे बनाती है, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, सोसाइटी डिसाइड करती है, सोसाइटी उसे डेवलप करती है और ये जो मतभेद वगैरह बनाती है ये सोसाइटी तो करती है, हमारा समाज ही तो करता है, ठीक है। जब बचपन में जो बच्चा होता है उसे नहीं पता होता है, जो बिल्कुल छोटे होते हैं उन्हें उनके बीच में कोई भेदभाव नहीं किया जाता, तो उन्हें नहीं पता होता है कि मैं लड़का हूँ या लड़की। पर धीरे धीरे जाकर जो है आप देखेंगे थोड़ा थोड़ा बड़ा जो होने स्टार्ट हो जाता है बच्चा, और अगर लड़का है और वह झाड़ू मारने की जिद कर रहा है तो मम्मी उसे कहती है तुम क्या लड़की हो, तुम झाड़ू नहीं मारोगी, ठीक है, इस तरीके से कहा जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये डेवलप की जाती है जेंडर में, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है जन्मजात। जैविक जो संरचना, जैविक संरचना तो हमारा जो है सेक्स होता है, ठीक है, और अनुवांशिक निर्धारण तो इसका तो होता ही नहीं है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 है वो ठीक होगा, क्योंकि हम जो है उसे सोसाइटी से क्या करते हैं, सोसाइटी से हम उसे लर्न करते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो 1 है वो हमारे यहाँ पर करेक्ट होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक भी कर सकते हैं, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, और एक छोटी से कमेंट करने में आपका कुछ नहीं जाता पर मैं मोटिवेट होती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है जो हमारा कॉन्टीन्यूअस और कंप्रेसिव इवोल्यूशन है उसको लेकर पूछा गया है CCE, ठीक है, CCE क्या है, CCE को थोड़ा सा समझ लेते हैं, थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं। वैसे तो आपके लिए इसको लेकर भी जो है वीडियोस आएंगी, क्योंकि हम जो है CDP की वीडियो स्टार्ट कर चुके हैं तो कवर करके ही छोड़नी है आपके CTET एग्ज़ाम से पहले। तो CCE जो है उसके अंदर जो है आपका जो FA जो है, यानी कि एग्ज़ाम जो है उसे फ्लेक्सिबल किया गया है,
यानी कि पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि जो एग्ज़ाम होता था उसे एक तरीके से ये माना जाता था कि वही सब कुछ बताएगा बच्चे के बारे में, कि बच्चा पूरे एक साल पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, अगर नंबर ज़्यादा आ गए तो बच्चे ने बहुत पढ़ा है, ठीक है, बहुत इंटेलिजेंट है, ऐसा माना जाता है, ऐसा माना जाता था। बट जो है अब एग्ज़ाम को फ्लेक्सिबल किया गया है कि यानी कि सब कुछ जो एग्ज़ाम पे बेस नहीं होना चाहिए, बच्चे के ऊपर बोझ नहीं होना चाहिए कि अगर वो एग्ज़ाम में अच्छे नंबर नहीं आए तो उसका मतलब क्या है कि वो पढ़ने में नालायक है, वो कुछ नहीं कर सकता जीवन भर में, ऐसा माना जाता था। पर अब जो है, अब CCE के थ्रू जो है हमें बच्चे के अंदर की जो क्रिएटिविटी है उसे निकालना है बाहर, उससे हमें जज, एक तरीके से हमें जज नहीं करना, हमें ये नहीं कहना कि तुम्हारे नंबर कम आए हैं तो इसका मतलब तुम कुछ नहीं कर सकते भविष्य में, फ्यूचर में, ऐसा नहीं होना है। तो CCE के थ्रू क्या है, टीचर क्या करेंगे, केवल एग्ज़ाम के, एग्ज़ाम तो होगा क्योंकि ये तो हमारा है कि इसी के बाद जो है हम ये देख सकते हैं कि हमने जो पढ़ाया है और बच्चे ने जो समझाया वो कितना समझाया और हमारे पढ़ाने का तरीका किस तरीके का है, तो इसे हम जो उस तरीके से देख सकते हैं, एग्ज़ाम तो होगा। पर अब जो है गवर्नमेंट क्या करती है, स्कूल में जो है CCE जो सिस्टम है वो चला दिया गया है, FA होते हैं, और FA जो होते हैं वो आपके टेस्ट बेस्ड नहीं होंगे, पेन पेपर बेस्ड नहीं होंगे, बल्कि टीचर क्या करेगी, टीचर अपने अकॉर्डिंग जो है बच्चे को देखेगी कि पूरे साल जो बच्चा है वो किस तरीके से क्लास में एक्टिव रहा है और कौन कौन सी एक्टिविटी में उसने पार्टिसिपेट किया है, ठीक है, जो एक्टिविटीज़ दी जाती है वो किस तरीके से उन्हें हैंडल करता है, किस तरीके से एंजॉय करके चीज़ों को सीखता है, तो उसकी क्रिएटिविटी भी देखी जाएगी, हर जो डोमेन है उसका वो देखा जाएगा और उसके बाद ही डिसाइड किया जाएगा। ये है आपका CCE। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य है, तो पहला उद्देश्य इसका क्या है, प्राथमिक उद्देश्य, पहला ऑप्शन है छात्रों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना। तो ये तो आप भूलकर भी मत लगाना, जब पैडागोजी कर रहे हैं हम सॉल्व तो आपको ध्यान रखनी है, जब हम शिक्षा शास्त्र कर रहे हैं सॉल्व तो आपको ध्यान रखना है, सीटेट एक फंडा है जो आपकी 30 नंबर की पैडागोजी आती है ना, इसमें आपको ध्यान रखना है, बच्चे को कभी भी जो है अलग नहीं करना है, लेबलिंग नहीं करनी है, यानी कि ये नहीं कहना कि ये कमज़ोर बच्चा, तुम तो कमज़ोर हो, तुम तो बैठ जाओ, चुप रहो तुम, ऐसा नहीं करना, बच्चे को एक्टिव बनाना है, ठीक है। बच्चा देर से सीख रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे के अंदर कमी है, कमी हमारे अंदर है, टीचर के अंदर है, स्कूल के अंदर है, बच्चा कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक, ये बात ध्यान रखनी है, बच्चा हमेशा हमेशा और हमेशा हमें एक्टिव दिखाना है और बच्चे को कभी भी कुछ भी चीज़ रटवानी नहीं है हमें, साथ ही साथ जो है बच्चे को कभी फील नहीं कर, ये चीज़ नहीं बतानी है कि तुम ये नहीं कर पाओगे तो तुम फ्यूचर में कुछ नहीं कर सकते, इस तरीके से हमें कुछ भी नहीं करना है, और नेगेटिव चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं बतानी है हमें, ठीक, और जेंडर को लेकर भी हमें जो है उन्हें समझाना है, पॉजिटिव वे में लेके जाना है हर चीज़ में। तो ये चीज़ है, अगर इसे समझ गए आप और इसे और भी अच्छे तरीके से समझने के लिए आप क्या करेंगे, मैंने जो NCF सीरीज़ चलाई है उसे करेंगे, NCF को लेकर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और NCF जो होता है आपका पैडागोजी को सॉल्व करने में बड़ा काम आता है, तो इसे देखना बिल्कुल भी नहीं भूलना है आपको, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, और साथ ही साथ आप बड़े समझदार हैं, आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। देखिए तो ये तो बिल्कुल ऑप्शन हमारे यहाँ पर कट हो जाता है कि बच्चे के प्रदर्शन के अकॉर्डिंग हम उसकी दूसरे बच्चों से तुलना करेंगे, हमें उन्हें कंपटीशन करना नहीं सिखाना, कंपटीशन की भावना उनके मन में कभी भी नहीं आनी चाहिए, तो ये चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं होगी। अगला देखो, अगला ऑप्शन है छात्रों की समझ को आंकना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्रों को उसके अनुरूप या फिर उसके अनुसार रूपांतरित करना। इसका मतलब, इस ऑप्शन का मतलब क्या है, इस ऑप्शन का मतलब है कि छात्रों की जो समझ है उसे हमें जो है उसका आकलन करना है, उसका मूल्यांकन करना है, आकलन यानी कि हमें टेस्ट करना है कि बच्चे की जो समझ है कितनी है, फिर हमें जो है उसके लिए कुछ उपाय भी करने चाहिए। अगर मान लीजिए हमें पता चला कि बच्चा थोड़ा सा लेट सीखता है, पूरी क्लास के अकॉर्डिंग ये बच्चा थोड़ा लेट सीखता है, तो ऐसा नहीं है कि उसे ये कहना है कि तुम तो बिल्कुल रद्दी हो, तुम्हें कुछ नहीं आता समझ में, तुम बैठ जाओ चुपचाप और तुम्हें मेरी क्लास में आने की ज़रूरत नहीं, ऐसा नहीं कहना है। हमें जो है हमें उसके अकॉर्डिंग, अगर बच्चा वीक है किसी सब्जेक्ट में, अगर बच्चा चीज़ों को समझने में देरी लगा रहा है तो कोई बात नहीं, हमें अपनी खुद की पैडागोजी में, टीचर को अपनी पैडागोजी में चेंज करना पड़ेगा, अपने पढ़ाने के स्टाइल में चेंज करना पड़ेगा उस बच्चे के लिए, थोड़ा सा अलग तरीके से उसे पढ़ा कर देख सकते हैं हम, ठीक, तो हमें खुद में चेंज करना है ना कि बच्चे में। तो उसी के अनुसार जब हम पाठ्यक्रम में और शिक्षा शास्त्र में चेंज करते हैं, बच्चे को समझ कर उसका मूल्यांकन करके और उसका आकलन करके जब हम अपने पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्र में चेंज करते हैं, तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है और यही CCE कहता है। अगला भी देख लेते हैं ऑप्शन, अगला छात्रों के
छात्रों का उनके प्रदर्शन के अनुसार वर्गीकरण करना। तो छात्रों का जो है उनके प्रदर्शन के अनुसार वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना है। इसका मतलब ये है कि बच्चों को बांट देना है, कुछ ग्रुप्स में बांट देना कि ए ग्रुप जो है वो इंटेलिजेंट बच्चों का, बी ग्रुप जो है मीडियम बच्चों का, सी ग्रुप जो है बिल्कुल ही ख़राब जिन्हें बिल्कुल समझ नहीं आता है ऐसे बच्चों का। तो ये चीज़ हमें कभी भी नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि हम टीचर हैं और हमें जो है हर बच्चे को समान समझना है, और कोई वीक है तो उसके पीछे क्या है, गलती हमारी है। कि क्या गलती है? कि हम उन्हें समझा नहीं पा रहे हैं। हमें अपनी पैडागोजी में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। ये NCF भी कहता है। अब अगला देखो, अगला है छात्रों को किसी विषय में सफल या विफल जो है घोषित करना, तो ये भी गलत होगा जैसे मैंने आपको बताया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम सभी के सामने क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है अपनी कक्षा के लिए मूल्यांकन पद्धति जो है उसे तय करने से पहले एक शिक्षक को किन बातों पर विचार करना चाहिए। यानी कि एक शिक्षक है, एक टीचर है, जब वह मूल्यांकन करता है, मूल्यांकन पद्धति जो है वो डिसाइड करता है, तो क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। पहला ऑप्शन दे रखा है, मेरे अलावा इन परिणामों को उपयोग कौन करेगा। ऐसा हो सकता है कि अभी आप टीचर हैं और आपको दूसरी क्लास दे दी जाए, तो दूसरी टीचर भी तो यूज़ कर सकती है ना उसको, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट होगा। अगला देखो, विशिष्ट छात्रों के अधिगम वक्र का पता लगाना, यानी कि अलग अलग जो छात्र हैं उनके बारे में ये पता लगाना कि कौन सा बच्चा जो है कितने लेवल पर समझ सकता है, लर्निंग कर्व जो है वो हमें आना चाहिए। अगला देखो, कौन सा तरीका अध्यापिका को स्वयं के शिक्षा शास्त्र पर चिंतन में मदद करेगा, यानी कि टीचर की खुद की जो पैडागोजी है उसे जो है उसे सोचने विचारने में, उसे प्लान करने में जो है कौन सा तरीका हेल्पफुल रहेगा, तो ये भी होना चाहिए। अगला देखो, कौन सी विधि छात्रों को उच्चतम अंक पाने में मदद करेगी। अब हम उन्हें पढ़ा रहे हैं, उनका मूल्यांकन कर रहे हैं, तो हम ये तय करते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब उनका आकलन किया जाए तो वो जो है पहले से अच्छा परफॉर्म करें, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न हम सभी के सामने है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूसिव जो एजुकेशन है उसको लेकर पूछा गया हमसे क्वेश्चन है। इंक्लूसिव जो एजुकेशन होती है उसे समावेशी शिक्षा कहा जाता है, और समावेशी शिक्षा क्या होती है मैं आपको बता देती हूँ, जिससे आपके लिए क्वेश्चन बड़ा इजी होने वाला है। आपको ध्यान रखना है, समावेशी शिक्षा में क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं, जो भी अगर मान लीजिए डिसेबिलिटी है किसी के अंदर, तो ऐसा नहीं है कि उनके लिए अलग स्कूल हो। पहले क्या होता था, अलग स्कूल कर दिए जाते थे, यानी कि वो बच्चे जो हैं बिल्कुल अलग सेपरेट स्कूल में ही पढ़ेंगे, उस स्कूल में नहीं पढ़ सकते, ऐसा माना जाता था। पर अब जो है एजुकेशन सिस्टम में सुधार किया गया है, और उन बच्चों के लिए भी जो है उस स्कूल में जो है उतनी ही इज्जत होनी चाहिए, उनकी उतना ही सम्मान होना चाहिए, और वो जो है उसी स्कूल में, जिस स्कूल में जो है सभी बच्चे पढ़ रहे हैं उसी स्कूल में वो पढ़ सकते हैं। चेंज किसको करना है? स्कूल को चेंज करना है अपने अंदर, स्कूल सिस्टम को चेंज करना है अपने अंदर, टीचर को अपने अंदर चेंज करना है कि उस बच्चे को वो कैसे उसके साथ डील कर सकती है, कैसे पढ़ा सकती है। स्कूल कैसे चेंज करेगा? रैंप वगैरह बनवा सकता है अगर किसी को दिक्कत है तो इस तरीके से समावेशी शिक्षा ये है। अब देखो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, समावेशी शिक्षा से क्या अभिप्राय है। पहला ऑप्शन दे रखा है, EWS का आरक्षण केवल सरकारी विद्यालयों में ही उपलब्ध करवाया जाए, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है। EWS यानी जो रिजर्वेशन है वो कहाँ से आ गया इसमें, तो ये तो नहीं है। अगला देखो, दिव्यांग छात्रों को सिर्फ विशेष विद्यालयों में ही शिक्षा दी जाए। जैसे मैंने कहा कि जो डिसेबिलिटी जिसके अंदर होती थी उन बच्चों के लिए अलग स्कूल जो है, सेपरेट स्कूल जो बनाए जाते थे पहले के टाइम पर, बट अब ऐसा नहीं है। तो इन ये जो समावेशी शिक्षा है उसके अंदर ऐसा नहीं होता है। समावेशी शिक्षा के अंदर क्या होता है कि जितने भी बच्चे हैं उन्हें क्या है, उसी स्कूल में जिस स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं उसी स्कूल में पढ़ने का पूरा पूरा अधिकार है। अगला ऑप्शन है, सरकारी विद्यालयों में केवल अंग्रेजी भाषा पढ़ाई जाए, तो ऐसा तो कहीं पर भी कुछ भी नहीं है। अब देखो फोर्थ ऑप्शन हमारा है, योग्यता से परे होकर सभी बच्चों को गुणवत्तीय शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए। यानी कि योग्यता से परे होकर, हमें ये नहीं देखना कि वो उसके लिए योग्य है या नहीं है, हमें जो हर किसी को क्या करना है, गुणवत्तीय जो शिक्षा है वो हमें प्रोवाइड करनी है, अच्छे से अच्छी शिक्षा प्रोवाइड करनी है, ठीक। तो यही है समावेशी शिक्षा का मतलब। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमें जो असर्शन वाला दे दिया गया है, कथन दे रखा है, पढ़ते हैं। कथन यहाँ पर हमें दे रखा है कि पढ़ते समय एक शिक्षक को पाठ्य सामग्री को दर्शाने के विभिन्न तरीके अपनाने चाहिए, पढ़ाते समय लिख रखा है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बता रखा है कि एक टीचर को जब वह पढ़ाता है क्लास में तो पाठ्य सामग्री को दर्शाने के लिए, यानी कि जो भी उसका टॉपिक है उसको पढ़ाने के लिए उसे क्या करना चाहिए, अलग अलग जो तरीके हैं वो यूज़ करने चाहिए, ऐसे कहा गया कथन ए में। अब जो कारण है उसकी पुष्टि करते हुए कारण कहता है कि शिक्षक को अधिगमकर्ताओं की विविध आवश्यकताओं हेतु अपने
शिक्षा शास्त्र को उनके अनुकूल बनाना चाहिए, यानी कि शिक्षक को क्या करना चाहिए, टीचर को क्या करना चाहिए, जो भी बच्चे हैं, जो भी लर्नर हैं, उनके अकॉर्डिंग। कुछ बच्चे जो हैं देरी से सीखते हैं, कुछ बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं और कुछ मीडियम होते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए, टीचर को अपने अंदर चेंज करना चाहिए, अपनी पैडागोजी, अपनी जो शिक्षा शास्त्र है उसके अंदर चेंज करना चाहिए, अपना जो पढ़ाने का स्टाइल है उसके अंदर चेंज करना चाहिए, ऐसा कहा गया। तो देखो दोनों बातें अपने आप में बिल्कुल ठीक हैं। अब देखते हैं हम आर जो है ए की पुष्टि करता है या नहीं करता, यानी कि आर जो है ए की सही व्याख्या कर रहा है या नहीं। ए में जो ये कथन जो दे रखा है इसमें यही कहा गया था अलग अलग तरीके अपनाएगा टीचर। अब अलग अलग तरीके जो अपना रहा है वो हर बच्चे को समझ में आए, हर बच्चे की जो आवश्यकता है उसे पूरी करे, तो उसी के लिए तो वो अलग अलग तरीके यूज़ कर रहा है। तो यही बात जो है आर यहाँ पर कारण में कह रहा है। तो यहाँ पर ये क्यों जो अलग अलग तरीके क्यों यूज़ किए जा रहे हैं टीचर के लिए, टीचर क्यों अलग अलग तरीके यूज़ कर रहा है, क्योंकि वो अपने लर्नर यानी कि जो बच्चे उसी क्लास में पढ़ने वाले हैं उनको ध्यान में रखकर ही अलग अलग तरीके यूज़ कर रहा है। तो ये जो यहाँ पर कथन कहा गया था वो कारण बिल्कुल इसका सही रीज़न बताया गया है कि टीचर अलग अलग तरीके क्यों यूज़ कर रहा है। अब देखो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 18 वाला क्वेश्चन हमारे सामने है और यहाँ पर हमसे जो है डिसेबिलिटी को लेकर क्वेश्चन पूछा गया। और आपको पता होगा जो डिसेबिलिटी को लेकर जो क्वेश्चन है वो 5 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी आपका, तो इसे भी हम बहुत जल्द कवर करने वाले हैं। अभी देखिए एक बच्ची जो है यहाँ पर बताया गया, एक बच्ची लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना करती है, यानी कि लिखने में बहुत जो कठिनाई का सामना कर रही है वो, ठीक है, उसे लिखने में दिक्कत होती है, उसे अक्षर बनाने में, शब्दों के बीच अंतराल करने में चुनौती महसूस होती है, लक्षण किस अधिगम विकार की ओर इशारा कर रहा है। तो ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पर बता रखा है डिसलेक्सिया, ये क्या होता है, इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर ये जो हमारी एक लर्निंग एबिलिटी है, ठीक है, लर्निंग एबिलिटी है ये हमारी, जिसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर कुछ भी चीज़ जो है बच्चा कुछ भी चीज़ पढ़ने में, ठीक है, और जो लेटर्स और वर्ड्स होते हैं उनको रिलेट वगैरह करने में दिक्कत होती है बच्चे को। अब यहाँ पर डिसग्राफिया जो है ये क्या है, इसके अंदर ही क्या होता है, इसके अंदर ही जो भी चीज़ है उसे लिखने में, आपको ध्यान रखना है लिखने में जो दिक्कत है इसी के अंदर होती है, और यही जो है एग्जांपल देकर हमसे पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले वाला देखिए, अगले वाला ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, और ये है हमारा ये देखिए डिसकैलकुलिया जो है इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो हमारी मैथ्स है, मैथ्स से रिलेटेड जो भी लर्निंग होती है बच्चे की उसको लेकर दिक्कत होती है, यानी कि सिंपल से सिंपल बेसिक कंसेप्ट भी समझने में उसे दिक्कत होती है, कैलकुलेशन करने में दिक्कत होती है, रीजनिंग करने में और उससे ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करने में भी दिक्कत होती है उसे। तो मैथ्स से रिलेटेड जो भी कैलकुलेशन वगैरह करनी है उसमें दिक्कत होती है, तो ये मैथ्स जो लर्निंग है डिसेबिलिटी है वो ये वाली है, और ये हमारी ADHD भी बोलते हैं इसको। और ये क्या होती है, इसमें कोई भी लंबे टाइम से कोई भी काम जो है उसे करने में दिक्कत होती है, एक जगह पर बैठ नहीं पाता है वो इंसान जिसके अंदर ये होती है दिक्कत, दिन में सपने देखते हैं वो, तो ये चीज़ें होती हैं इसके अंदर। अब ये इसका हमने देख लिया ऑप्शन नंबर जो हमारे यहाँ पर कौन सा था, बी ठीक था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमसे पूछा गया है, विद्यार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नता यानी कि इंडिविजुअल जो डिफरेंस है उसको पूरा करने के लिए एक शिक्षक को, एक टीचर को क्या करना चाहिए, यानी कि उसके जो स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में क्या इंडिविजुअल डिफरेंस है, तो उनको, क्योंकि आपको पता होगा जब आपने जो डेवलपमेंट के जो प्रिंसिपल्स पढ़े हैं, तो उसमें अगर नहीं पढ़े हैं तो उसकी वीडियो बनाई हुई आप देख सकते हैं, तो डेवलपमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं उसमें आपने पढ़ा होगा कि इंडिविजुअल डिफरेंस जो है ये एक प्रिंसिपल है, यानी कि हर इंसान जो है बिल्कुल अलग होता है, बिल्कुल कहें या दूसरे इंसान से अलग होता है, तो हर किसी के अंदर जो है इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। तो अब क्लास है, क्लास में 30 बच्चे हैं, तो 30 के 30 बच्चे सेम नहीं हो सकते हैं, उनके अंदर इंडिविजुअल डिफरेंस है, वो अलग हैं, किसी के अंदर लर्निंग की पावर तेज है, किसी के अंदर वीक है, किसी के अंदर स्लो है, ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं वो होंगी, किसी का इंटरेस्ट किसी चीज़ में, किसी का किसी चीज़ में, तो ये जो व्यक्तिगत भिन्नता है उसको पूरा करने के लिए, ऐसा तो नहीं है कि आप जो है 2-4 बच्चों को ही पढ़ाएंगे क्लास में, आपको 30 के 30 स्टूडेंट ही हैंडल करने पड़ेंगे, तो इंडिविजुअल डिफरेंस को पूरा करने के लिए एक टीचर को क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन दे रखा है मानकीकृत पद्धतियों और आकलन के तरीकों का उपयोग करना, यानी कि जो स्टैंडर्ड जो मेथड है उन्हीं को अपनाना, नहीं, हमें जो है मेथड में चेंज करना पड़ेगा। अगला देखो, शिक्षा शास्त्रीय उपागमों मूल्यांकन के विविध साधनों का उपयोग करना, यानी कि जो शिक्षा शास्त्र के जो उपागम हैं
जो मूल्यांकन है उन्हें क्या करना है, हमें उन्हें उनके अलग अलग जो साधन हैं यानी कि अलग अलग तरीके से हमें जो पैडागोजी के जो हमारे मेथड्स हैं पढ़ाने का जो तरीका है हमें अलग करना पड़ेगा। हमें जो मूल्यांकन जो करना है कि कौन सा बच्चा किस लेवल का है, हमें किस लेवल तक जाकर उसे समझाना है, वो चीज़ सीखनी पड़ेगी। वो चीज़ हमें कैसे पता चलेगी, मूल्यांकन के थ्रू पता चलेगी। ठीक, तो ये चीज़ें जो हैं ये चीज़ें होनी चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ये पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनिशियल करेक्टरिस्टिक ऑफ जो क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी क्या होती है, क्रिएटिविटी मतलब निर्माणवाद कहा जाता है, रचनावाद भी कह देते हैं इसे। तो क्रिएटिविटी क्या है, क्रिएटिविटी का मतलब है कि हम बच्चा क्या करता है, हम क्या करते हैं, हमारे अंदर भी क्रिएटिविटी है। और हम यहाँ पर बच्चे के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम बच्चे को लेकर समझेंगे। बच्चे के अंदर क्या होता है, कुछ ना कुछ अलग करने की क्रिएटिविटी होती है। लिटिल साइंटिस्ट भी कहा जाता है बच्चे को। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, बच्चे की क्रिएटिविटी को क्या करना है, बढ़ाना है। ठीक, कुछ नए करने की, क्रिएट करने की, नॉलेज क्रिएट करने की भी जो है क्रिएटिविटी उसके अंदर होती है। तो हमें जो है उस पर ध्यान देना है। अब यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि किसी के अंदर क्रिएटिविटी है उसका पता जो है हम कैसे लगा सकते हैं, क्या चीज़ उसके अंदर ऐसी होनी चाहिए कि जिसकी वजह से उसकी क्रिएटिविटी जो है हमें दिखाई दे, हमें पता चले। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो होगा डाइवर्जेंट जो थिंकिंग है वो हमारा ऑप्शन नंबर ठीक होगा। क्यों, डाइवर्जेंट का मतलब होता है अलग अलग सोचना। यानी कि अब देखो, हमने जो है हमने बता दिया कि जो अगर हम कुछ कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे जो बल्ब है उसका जो वो है किसने आविष्कार किया हमने बता दिया। ठीक, उसकी डिस्कवरी किसने की हमने बता दिया। अब कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं क्लास में से वो ये पूछें कि ये जो है क्यों किया गया, और इससे पहले जो है किस तरीके से लाइट होती थी, और अलग अलग क्वेश्चन करें। कुछ बच्चे हो सकते हैं करते हैं क्लास में, ऐसे होते हैं तो जो ऐसे क्वेश्चन करते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है वो बिल्कुल अलग बात कह दें जो आपको भी ना पता हो, कुछ ऐसी बात कह दें, तो ये चीज़ भी हो सकती है पॉसिबल। तो ये जो चीज़ें हैं हमें जो उनकी डाइवर्जेंट थिंकिंग है उन्हें जो है उन्हें और बढ़ाना। ऐसा नहीं करना कि आपको नहीं पता, कुछ ऐसा बच्चे ने पूछ लिया आपसे आपको नहीं पता तो आप कहें कि नहीं चुपचाप बैठ जाओ, ऐसा नहीं करना है। हमें जो है उसे और भी ज़्यादा जो है उसे बढ़ाना चाहिए। क्या पता उसके जो विचार है आगे जाकर वही फेमस हो जाए, जैसे अल्बर्ट हैं उनके हुए थे। तो ये जो है ये हमारा इम्पॉर्टेंट है, और इसी के थ्रू हम देख सकते हैं कि उसके अंदर क्रिएटिविटी है। तो ये मेन चीज़ होती है अलग सोचना, दुनिया से अलग सोचना, और जो अलग सोचते हैं वो कुछ ना कुछ कर जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर वन जो है करेक्ट, ऑप्शन नंबर जो वन है वो करेक्ट हो जाएगा। और इसी के साथ जो ये वीडियो है यहाँ पर कंप्लीट होती है, पार्ट टू आपका। और नेक्स्ट पार्ट जब आएगा आप उसे भी देख सकते हैं, और NCF की वीडियो मैंने जस्ट अभी अपलोड की थी आज ही, तो उसे भी आप देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि CTET की पूरी तैयारी आपकी पेपर वन एंड पेपर टू की आपको यहीं पर मिलने वाली है। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।